हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही गजब की आर सी कार। यार देख ही सकते हो कितनी कमाल की आर सी कार है। तो दोस्तों इसे मैंने अमेजोन से परचेस किया था। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उधर से परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों क्या ही कमाल लग रही है यार अपनी कार। तो दोस्तों हमारी जो कार का नाम यहाँ पे आप देख ही सकते हो, पैनोमेटिक टायर स्टंट कार। दोस्तों हमारे जो आर सी कार का नाम यहाँ पे पैनोमेटिक इसलिए क्योंकि इसके अंदर दोस्तों हमें एक एयर पंप भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसके तीन तरह के फीचर्स बताए गए हैं। इनफ्लेटेबल टायर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, और यहाँ पे लाइट्स हैं और फुल फंक्शन आर सी कार है। 360 फ्लिप दोस्तों हमारी जो कार है वो मार सकती है। यहाँ पे 6 के बच्चों के लिए, और यहाँ पे इसका कंपनी का नाम दिया गया है लीड ओनर। तो दोस्तों यार कमाल की आर सी कार है। यहाँ पे इसके अंदर हमें एक पंप भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे मेंशन करके रखा गया है। दोस्तों बैक साइड से हमारा जो बॉक्स है कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख ही सकते हो। यहाँ पे इसका एक फीचर बताया गया एयर पंप का, और यहाँ पे इसके कुछ स्टंट बताए गए हैं। 2.2 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में इसका रिमोट देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट निकाल लेते हैं अपनी आरसी कार को बाहर। अगर दोस्तों आपने मेरी वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों फटाफट निकाल लेते हैं अपनी आरसी कार को बाहर। तो दोस्तों यार पैकेजिंग तो काफ़ी ज़बरदस्त की है यार इन्होंने। तो दोस्तों गाड़ी आ चुकी है हमारी बाहर। बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें थी यार मैंने वो बाहर निकाल ली हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी एक बैटरी। तो दोस्तों इसके अंदर हमें मिल जाती है 14500 की 500mAh की एक 3.7 वोल्ट की एक बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त बैटरी है यार, इसे रखता हूँ दोस्तों मैं साइड में। और यहाँ पे मिल जाता है इसका एक चार्जर USB पोर्ट वाला, तो इसे भी रखता हूँ दोस्तों मैं साइड में। और ये रहा दोस्तों इसका कमाल का यार पंप, तो देख ही सकते हो आप क्या ही कमाल का पंप है। तो दोस्तों यार इससे आप गुब्बारे के अंदर भी हवा भर सकते हो, तो इसी बात पे दोस्तों एक लाइक भी कर देना। यहाँ पे दोस्तों इसका जो पिन है वो खुल भी जाती है, आप देख सकते हो, ऐसे इसको खोल भी सकते हैं हम। तो दोस्तों यार काफ़ी प्रेशर के साथ हवा यार पुल करता है। तो दोस्तों इसे रखता हूँ मैं साइड में। और दोस्तों ये रहा हमारा आरसी कार का रिमोट, 2.4 GHz की फ्रीक्वेंसी का रिमोट है यार। दोस्तों काफ़ी बढ़िया रिमोट है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे दोस्तों यार बटन फेक बनाए गए हैं। यहाँ पे इसका एक एंटीना है, बैक साइड का बैटरी कंपार्टमेंट है। यहाँ पे दोस्तों हमें डबल साइज की 3 बैटरियाँ इंस्टॉल करनी है। काफ़ी ग्रिप पे रिमोट है यार दोस्तों, काफ़ी बढ़िया रिमोट है। यहाँ पे इसका फ्रंट बैक है दोस्तों, बटन्स बनाए गए हैं। तो दोस्तों रिमोट काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का यार। तो दोस्तों इसे रखता हूँ इस साइड में। और दोस्तों अब बारी यार हमारी क्या कमाल की आरसी कार है यार, तो देख ही सकते हो आप क्या ही कमाल के फीचर्स हैं यार इसके अंदर। देख सकते हो व्हील्स के साथ साथ यार इसका पूरा जो एक पार्ट है यार वो घूम जाता है। तो दोस्तों इसके जो दो टायर्स हैं वो यार अलग हैं, दो टायर दोस्तों अलग घूमते हैं। तो देख सकते हो एक टायर घुमा रहा हूँ तो दोस्तों अगला टायर भी यार घूम रहा है, और देख सेम इस टाइप है दोस्तों। दोस्तों हमारी जो कार के अंदर एक्स्ट्रा टायर्स भी देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हो 4 दोस्तों एक्स्ट्रा टायर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों काफ़ी हेल्प करते हैं दोस्तों हमारी आरसी कार को अच्छे से स्टंट मारने के लिए। तो दोस्तों ये रहा हमारे कमाल के टायर्स का फीचर, तो देख सकते हो इसके अंदर हवा भरने का एक फीचर भी है, तो मैं आपको हवा भर के भी बताऊंगा। तो दोस्तों काफ़ी फ्लफी टायर्स दोस्तों इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। कलर कॉम्बिनेशन यार काफ़ी जहरी बना दिया यार इन्होंने, काफ़ी बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन लगा यार मेरे को। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है। तो दोस्तों हमारी जो कार है यार फुल डबल साइड है, आप इसे कैसे भी चला सकते हो। यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट है। यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर लाइट्स भी देखने को हमें मिल जाती हैं। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया आरसी कार है यार। दोस्तों यार हम अपनी आरसी कार के अंदर हवा भी भर सकते हैं, तो मैं आपको हवा भर के बताऊँगा कि हमारे जो टायर है वो कितने पावरफुल हो जाते हैं यार जब हम इसके अंदर हवा भरते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल जो यार मेरे को बिल्ड क्वालिटी लगी है और यार काफ़ी ज़बरदस्त है। ट्रेलिंग दोस्तों यार काफ़ी ज़बरदस्त बनाई है यार इन्होंने, तो मैं क्या ही बताऊँ यार कमाल की आरसी कार है। तो चलिए दोस्तों फटाफट कर लेते हैं इसके अंदर बैटरी इंस्टॉल। तो दोस्तों हमारी जो कार का बैटरी कंपार्टमेंट है यहाँ पे हमें मिल जाता है, तो फटाफट कर लेते हैं यहाँ पे इसे ओपन। तो दोस्तों बैटरी कंपार्टमेंट यहाँ से ओपन हो चुका है, तो फटाफट कर लेते हैं यहाँ पे इसकी बैटरी इंस्टॉल। अगर दोस्तों आपने मेरी पिछली वीडियो को वॉच नहीं किया तो जरूर वॉच कर लेना, उसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उधर से वॉच कर सकते हो। तो दोस्तों बैटरी इंस्टॉल काफ़ी आसानी से हो चुकी है, काफ़ी बड़ा बैटरी कंपार्टमेंट का स्पेस यहाँ पे दिया गया है। फटाफट लगा लेते हैं इसका कवर। तो दोस्तों हमारी जो कार यहाँ पे रेडी हो चुकी है, तो कर लेते हैं यहाँ से इसे ऑन। तो देख सकते हो आप क्या ही कमाल की लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों यार काफ़ी ज़बरदस्त लाइट्स का फंक्शन देखने को मिल जाता है हमें इसके अंदर। तो दोस्तों कार को रखता हूँ मैं यहाँ पे। अब कर लेते हैं दोस्तों अपने रिमोट के अंदर बैटरी इंस्टॉल। तो यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, फटाफट कर लेते हैं इसे ओपन। दोस्तों हमारा जो बैटरी कंपार्टमेंट है यार यहाँ से ओपन हो चुका है, तो फटाफट कर लेते हैं इसके अंदर बैटरी इंस्टॉल। तो चलिए दोस्तों फटाफट कर लेते हैं इसके अंदर बैटरी इंस्टॉल। यार 3 बैटरीज इसके अंदर हमें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, तो लगा लेते हैं इसका कवर। तो दोस्तों यहाँ पे हमें रिमोट का ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, तो यहाँ से कर लेते हैं रिमोट को ऑन। तो दोस्तों हमारा जो रिमोट था यार अपनी कार के साथ कनेक्ट हो चुका है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसे टेस्ट करके बता देता हूँ। देख सकते हो आप काफ़ी रिस्पॉन्सिव रिमोट हमें इसके साथ देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी टायर के अंदर हवा भर के बताता हूँ। दोस्तों आपको बता देता हूँ इसके अंदर हवा कैसे बनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी एक हवा बनने के लिए जगह बनाई गई है। तो फटाफट दोस्तों हमें जो अपनी पिन है वो यहाँ पे घुसा लेनी है पूरी। तो हम दोस्तों इसे फटाफट पंप करते हैं। आप देख सकते हो हमारे जो टायर का यहाँ पे साइज़ है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो मैं फटाफट जो है पंप को बाहर निकाल लेता।
यहाँ पे मैंने एक टायर में हवा जो है भर दिया, आप देख ही सकते हो जिस टायर में मैंने हवा नहीं भरी, आप देख सकते हो यार साइज कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया यार साइज में। तो दोस्तों फटाफट कर लेते हैं इसके चारों टायर के अंदर हवा जो है इंस्टॉल। दोस्तों यार मैंने इसके टायर के अंदर यार कुछ ज़्यादा ही हवा भर दी, आप देख सकते हो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं यार टायर। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं बाहर और इसे कहते हैं बहुत ही भयंकर तरीके से टेस्ट। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं बाहर। For you, I'll go.